नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। गांव रायपुर जाटान में चली गोलियां। इस गोलीबारी में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक महिला भी शामिल बताई जा रही है। घायलों के इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं पर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया। रेफर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि करनाल में रायपुर जाटान में पुरानी रंजिश के कारण शुक्रवार को देर रात दलवीर सिंह, उसकी पत्नी और अपने खेतों में काम कर रहे थे कि दूसरे पक्ष के पवन और उसके पिता हवा सिंह के बीच में आपसी कहासुनी के बाद में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना ज़्यादा हुआ कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। परिजनों ने पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोगों पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया। सभी घायलों को पहले इलाज के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, परंतु सुविधा नहीं होने के कारण घायलों को निजी अस्पताल में ले जाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो उसके कारण चले गए आधन कर दिया, लड़ाई झगड़े के कारण तो इनको इरादे से लड़ाई झगड़ा हो गया। ये चलाई परिवार में से जैसे पवन नंबरदार है और उसका छोटा भाई है, उसका फादर है, चार लोगों को, तीन लोगों को गोलियां लगी, एक औरत को उनकी माँ को जबरदस्ती हाँ गंभीर पहले पहले उनको यही लाए थे, उठा लाए थे वहाँ से रेफर किस्मत कर दिया कल्पना चावला में, उसके बाद अब बाहर कर दिया रेफर, बाहर पूरे रेफर किया। ये इसके बाद सामान नहीं है, पूरा इलाज करने का पूरी मतलब कुछ है नहीं, पूरी मशीनरी नहीं है करनाल में, बिल्डिंग चलिए जी। ये रायपुर जटान में जमीनी विवाद था, उसमें दो पक्षों में लड़ाई हुई है, जिसमें 3-4 बंदों की गोली लगी है और जो अभी इलाज जटान में एडमिट है कल्पना चावला हॉस्पिटल में, तो इनको बयान लेकर जो भी कार्रवाई की। तो कुछ पता चला सर, क्या दूसरी पार्टी कौन है और क्यों चलिए गोली? नहीं अभी कुछ नहीं पता, अभी इनसे बात करके फिर बता। तो 4 को गोलियां लगी? 4 को गोलियां, इलाज चल रहा है उनका? इलाज चल रहा है। पहले अभी पुलिस ने कार्रवाई करी थी, चारों एक ही परिवार के हैं? एक ही परिवार के। तो कल्पना चावला लाए थे यहाँ, इलाज नहीं हुआ सही? यहाँ आता रेफर कर दिया, इतना जवाब दे दिया जी, यहाँ नहीं हो पाया इलाज, हो नहीं पाया। ये काफ़ी झगड़ा हो रहा था ना आपस में, पहले भी निकल थाने में पड़े थे, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी इन पर, तो उसके कारण पीछे लग रहा था ना, पीछे लड़ाई झगड़े के कारण तो इनको इरादे से लड़ाई झगड़ा हो गया। किस लोगों ने गोलियाँ चलाई? ये चलाई परिवार में से जैसे पवन नंबरदार है और उसका छोटा भाई है, उसका फादर है। तो 4 लोगों को लगी गोलियां? 3 लोगों को गोलियां लगी, एक औरत को उनकी माँ को जबरदस्ती पिटा गया उनके खेत, उनके भी सर पे गंभीर चोट है। हाँ गंभीर चोट। हालत पहले कहाँ पर आप लाए थे इलाज के? पहले उनको यहीं लाए थे, उसको ग्राउंड लाए थे जी, वहाँ से रेफर किस्मत कर दिया कल्पना चावला में, उसके बाद अब बाहर कर दिया रेफर। बाहर क्यों रेफर किया? इसके बाद सामान नहीं है, पूरा इलाज करने का पूरी मतलब कुछ है नहीं, पूरी मशीनरी नहीं है करनाल में, बिल्डिंग जरूर है यहाँ लेकिन इलाज नहीं हुआ, तो इनकार कर दिया हमारे पास इलाज नहीं है। कहना चाहेंगे Thank you.
छोड़ा